हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? तो आज हम बनाएंगे पिन व्हील्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। और रेसिपी तो 10 मिनट में बनने वाली है, तो एक बार ज़रूर घर पे ट्राई करना। तो यहाँ पर हमें 2 आलू और 1 कप मैदे की ज़रूरत है। तो 1 कप मैदे में हम यहाँ पर थोड़ी सी अजवाइन और 1 चम्मच तेल डाल देंगे। रिफाइंड ऑयल मैंने यूज़ किया है यहाँ पर, और नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे पहले ऐसे सूखा सूखा। पानी का मेजरमेंट हम उसी कप से लगा लेंगे जिसमें हमने मैदा लिया था। तो हमें सख्त डो बनाना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना है। जैसे सॉफ्ट सा डो बना लेंगे हम, और उसे रेस्ट करने के लिए साइड में रख देंगे जब तक दूसरी चीज़ें हम रेडी कर लेंगे। और देखना, यहाँ पर हमने आधा कप पानी का ही यूज़ किया है, ज़्यादा पानी हमें ऐड नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम 2 चम्मच मैदा ले लेंगे एक बाउल में, और उसमें थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसका गाढ़ा सा घोल बना लेंगे। तो ये हम इसलिए रेडी कर रहे हैं कि हम पिन व्हील्स बना रहे हैं और इसमें डिप करके हम उसे फ्राई कर लेंगे। इसे रखते हैं साइड में। और हमारी नेक्स्ट स्टेप में हम 2 आलू को ऐसे ग्रेट करके ले लेंगे, और 1 हरी मिर्च मैंने बारीक चॉप करके डाली है, थोड़ा सा हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज़ किया है यहाँ पर मैंने, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, और आधा छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर। नमक टेस्ट के हिसाब से डालकर अच्छी तरह से सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, और हमारा ये डो रेडी हो चुका है। तो इसे हम सूखे मैदे में डिप करके बड़ी साइज़ की रोटी बेल लेंगे। तो जब तक मैं रोटी बेल रही हूँ, तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और बाकी भी रेसिपी टेस्टी टेस्टी मेरे चैनल पर है, तो जाके ज़रूर एक बार विज़िट करना चैनल पर और देख लेना। इस साइज़ की हम बेल लेंगे रोटी, और जो हमने आलू का मिक्स बनाया है इस पर लगा लेंगे अच्छी तरह से फैला कर, इक्वली सारी तरफ से हम लगा लेंगे। और एक साइड से थोड़ी सी ऐसे पलटते पलटते हम ऐसे रोल कर लेंगे पूरा उसको, और रोल हो जाने के बाद थोड़ा सा मैदे का घोल लगाकर उसे चिपका लेंगे, और उसे ऐसे गोल गोल करते करते हम थोड़ा ऐसे लंबी साइज़ कर लेंगे उसकी, और इस तरह से हम काटेंगे। और काटने के बाद उसको थोड़ा सा शेप देंगे, क्योंकि वैसे पकड़ने में थोड़ा सा ये हो जाता है ना, तो शेप देंगे उसको और ऐसे गोल कर कर हथेली के बीच में रख के चपटा कर देंगे। और याद रहे, हमें ज़्यादा ज़ोर में नहीं दबाना है, बस हल्के हाथ से ऐसा हथेली के बीच में रख के थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, तो उसका शेप वो है ना, जो पिन व्हील्स का गोल वाला शेप आ जाएगा उसको। तो सारे इसी तरह मैं कर लूँगी और एक प्लेट में निकाल लूँगी इस तरह से। अब कढ़ाई में हम ऑयल गरम कर लेंगे, और जो हमने घोल बनाया था मैदे का, उसमें हम पिन व्हील्स को डिप करके इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो 1 मिनट तक हम पहले एक साइड से हम फ्राई कर लेंगे और फिर उसकी साइड चेंज करेंगे। तो 3 से 4 मिनट में हमारे पिन व्हील्स फ्राई होके रेडी हो जाएंगे, क्रिस्पी क्रंची, बहुत ही टेस्टी बनते। एक बार ज़रूर घर पर आप ट्राई करना। तो हमारे आलू के पिन व्हील्स रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल कर एक प्लेट में दूसरे भी जो बचे हुए बाकी उसे भी फ्राई कर लेंगे। तो आप इसे समोसा रोल भी कह सकते हैं, पिन व्हील्स भी कह सकते हैं, या आप भाकरवड़ी भी कह सकते हैं इसको आलू की। तो चलिए बाकी भी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। और आपको अगर पसंद आई होंगी रेसिपी तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, हेल्प करना मेरी 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने में, और शेयर कर देना वीडियो को। और अगर आप पाव भाजी लवर है और आपको टेस्टी स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी घर पे बनानी है, तो आई बटन में मैं लिंक दे दूंगी। तो मेरे चैनल पर पाव भाजी की रेसिपी अवेलेबल है स्ट्रीट स्टाइल, तो आप ज़रूर एक बार मेरे तरीके से ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप एक बार बनाओगे तो बाकी सारे तरीके भूल जाओगे। तो हमारे बाकी बचे हुए पिन व्हील्स भी रेडी हो चुके हैं। तो बाकी बचे हुए पिन व्हील्स भी मेरे फ्राई हो चुके हैं।
तो इसको हम या तो इमली के पानी के साथ सर्व करेंगे, या टमाटो केचप के साथ, या तो हरी चटनी के साथ। आपको जिसके साथ पसंद होंगे आप उसके साथ सर्व कर लेना और ट्राई ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय।